आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 6 जिसका नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंडक्शन मतलब पैदा करना, प्रोड्यूस करना, पैदा करना। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को, और मैग्नेटिक मतलब थ्रू मैग्नेटिज्म, यानी कि व्हेन वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी थ्रू मैग्नेटिज्म देन दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझने से पहले आपको एक फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होना चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसे फाई सिंबल से डिनोट करते हैं और फुट में बी लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी क्या चीज़ होती है? वैसे तो लगभग सेम कंसेप्ट हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को भी पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो लगभग वैसा ही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी। अब मान लेते हैं किसी सोर्स से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं इस डायरेक्शन में। तो ये मैंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई हैं एक सोर्स की, और इसके रास्ते में एक क्वाइन यानी कि कोई एक कंडक्टर रखा हुआ है। अब ये कंडक्टर सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो अपने में से पास नहीं होने देगा, सिर्फ कुछ को ही होने देगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स डेंसिटी होता है जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के साथ एसोसिएटेड हैं, वो उसकी फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाती है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एसोसिएटेड विद द गिवन सरफेस और अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी मैग्नेटिक फ्लक्स की। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, और द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग और क्रॉसिंग परपेंडिकुलरली टू अ गिवन सरफेस। तो ये दोनों में से कोई भी डेफिनेशन फ्लक्स को एक्सप्लेन करता है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे मैथमेटिकल फार्मूला से मेजर करेंगे? लेटर से हम ये दोबारा से अपनी मेन फिगर को बनाते हैं। ये मान लो एक कंडक्टर है क्वाइन, और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही थी। अब किसी भी कंडक्टर का एरिया वेक्टर हमने गॉस थ्योरम में भी पढ़ा था, परपेंडिकुलर टू सरफेस आउटवर्ड लेते हैं, तो ds वेक्टर एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है उस सरफेस के। अब मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, उनमें एक्यूट एंगल थीटा बन रहा है। तो किसी भी सरफेस के साथ जो स्मॉल मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा होगा एक स्मॉल एरिया वेक्टर के साथ, उसको हम डॉट प्रोडक्ट में मेजर करते हैं, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर।
और जैसे कि आपको प्लस वन में पता है डॉट प्रोडक्ट कैसे ओपन होता है, मॉडुलस ऑफ बी मॉडुलस ऑफ डी इंटू कॉस थीटा। तो ये एक तरह से फार्मूला बन गया मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने का। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिक फ्लक्स में वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट की है, सरफेस के परपेंडिकुलर उस बॉडी के। जो पैरेलल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में, सिर्फ बी कॉस थीटा कर रहा है। तो इसीलिए हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना होता है। फर्दर नॉलेज मैग्नेटिक फ्लक्स की, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी विद ऐसा यूनिट एज टेस्ला मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तो यूनिट आप खुद भी बता सकते हो, क्योंकि बी डॉट डी एस है तो मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में मेजर होती है और एरिया किसी भी बॉडी का मीटर स्क्वायर में मेजर होता है। तो इसका ऐसा यूनिट टेस्ला मीटर स्क्वायर या वेबर होता है। तो हम वेबर बोलें या टेस्ला मीटर स्क्वायर बोलें, ये एक ही बात है। और जो इसका सीजीएस यूनिट है वो मैक्सवेल है। सीजीएस यूनिट इज मैक्सवेल। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर इज इक्वल टू 10 की पावर 8 मैक्सवेल। तो 1 वेबर में 10 की पावर 8 मैक्सवेल होते हैं। जो डायमेंशनल फार्मूला है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का, कई बार 1 मार्क में डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पूछ लेता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज ML2 T-2 एम्पियर इनवर्स। तो ये सारी नॉलेज हो गई मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स समझ में आना चाहिए, उसके बाद हम सीखेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज लॉ क्या था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में EMI भी लिखते हैं, क्योंकि बार बार इतना बड़ा वर्ड लिखना थोड़ा मुश्किल होता है तो हम EMI भी बोल देते हैं। तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब फैराडे एक फिजिस्ट था जिसने वो ये देखना चाहता था कि क्या हम इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले फिजिस्ट को पता लग गया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड उसका मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। तो इसका मतलब करंट मैग्नेटिक इफेक्ट को बना सकता है। तो फैराडे ने सोचा क्या इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर करंट मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या मैग्नेटिज्म भी करंट को प्रोड्यूस कर सकता है, एज नेचर लव सिमेट्री। तो इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए, इसको उसने एक्सप्लोर करने के लिए एक सिंपल सा सेटअप किया, बहुत सिंपल सेटअप। वो सेटअप क्या था, उसमें उसने एक कॉयल ले ली जिसमें कॉपर की एक वायर को ऐसे सर्कुलर टर्न लेके बांधा होता है, और उस कॉयल को एक गैल्वेनोमीटर और एक की से जोड़ दिया, जैसे कि इस फिगर में आप नजर आ रहा है। आप सबको पता है गैल्वेनोमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है जो स्मॉल EMF या करंट मेजर करता है अगर सर्किट में प्रोड्यूस होता है। तो उसने एक कॉयल को एक गैल्वेनोमीटर और एक
की से जोड़ दिया। नाउ व्हाट ही डज, उसने एक बार मैग्नेट लिया और उस बार मैग्नेट के एक एंड को, लेट अस से नॉर्थ पोल को, वो मूव करने लगा टुवर्ड्स अ कॉइल अलोंग द एक्सियल लाइन। तो नॉर्थ पोल का मैग्नेट, वैसे कोई भी पोल आ सकता है, मतलब एक मैग्नेट को उसने मूव किया, देन ही फाउंड कि इस गैल्वेनोमीटर की नीडल, जब ये मैग्नेट कॉइल की तरफ आता है तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करनी शुरू कर देती है, मतलब इस कॉइल में करंट पैदा हो रहा है, तो ये करंट उस कॉइल में बन रहा है, राइट? तो ये करंट बन रहा है, ये गैल्वेनोमीटर ने ऑब्जर्व किया, राइट? अगर उसी मैग्नेट के को वो दूर लेकर जाता था, नॉर्थ पोल को पास नहीं लेकर आता था, दूर लेकर जाता था कॉइल से, तो भी करंट इंड्यूस होता था, लेकिन वो करंट जो पैदा होता था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता था, कि अगर करंट की डिफ्लेक्शन पहले राइट साइड जा रही थी गैल्वेनोमीटर के, अब टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है, मींस करंट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया। जैसे पहले करंट ऐसे जा रहा था, लेकिन बाद में करंट, ये जो मैं ब्रेक लाइन से एरो दिखा रहा हूँ, उस डायरेक्शन में जाना शुरू हो गया। तो जब मैग्नेट की डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ये उसकी ऑब्जर्वेशन थी। अब जब वो इस बार मैग्नेट को कहीं पे भी रोक देता था तो करंट पैदा होना, इंड्यूस होना रुक जाता था, यानी कि गैल्वेनोमीटर की नीडल दोबारा से जीरो पर आ जाती थी। और जितना वो मैग्नेट को फास्ट मूव करता था उतना गैल्वेनोमीटर के नीडल की डिफ्लेक्शन ज्यादा होती थी, मतलब ज्यादा करंट इंड्यूस होता था, और जितना वो उसे स्लो मूव करता था उतनी करंट कम प्रोड्यूस होता था, ये भी ऑब्जर्वेशन थी। चौथा पॉइंट, अगर वो मैग्नेट को वहीं रखता था और कॉयल को उसकी तरफ लेकर जाता था या उससे दूर लेकर जाता था बार मैग्नेट से, तो भी करंट इंड्यूस होता था, यानी कि रिलेटिव मोशन मैटर करती है। अब क्वेश्चन उठता है कि कॉयल के मूव होने से ऐसा क्या हो रहा है, या मैग्नेट के मूव होने से ऐसा क्या हो रहा है कि करंट इंड्यूस हो रहा है कॉयल में, लेकिन जैसे ही ये मैग्नेट रुक रहा है तो करंट इंड्यूस होना भी रुक रहा है। उसका रीजन है जो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल के साथ एसोसिएट होंगे। अब आप सबको पता है किसी भी बार मैग्नेट की ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रिप्रेजेंट कर दूं एक बार मैग्नेट की। अब जब ये बार मैग्नेट क्लोजर आएगा कॉइल के साथ की तरफ, तो जो कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसमें इसके फ्लक्स की संख्या बढ़नी शुरू हो जाएगी, जो फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से एसोसिएट है। और जब ये ही मैग्नेट दूर जाएगा कॉइल से तो उसके फ्लक्स की संख्या डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो पास आने से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है और दूर जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अगर हम मैग्नेट को कहीं रोक देते हैं तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि उसमें जो चेंज हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज, वो खत्म हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो यही रीजन है जिसे फैराडे ने लॉ की फॉर्म में दिया। तो इसने क्या कहा, इट स्टेट्स दैट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल is directly proportional to the rate of change in magnetic flux taking place in the coil, that is induced EMF
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बी बाई डी टी। तो डी फाइव बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स और डी टी स्मॉल टाइम इंटरवल, जिस टाइम इंटरवल में हमने उस चेंज को मेजर किया। तो इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि अगर हमें ईएमएफ यानी कि वोल्टेज या करंट प्रोड्यूस करना है तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स को टाइम के साथ चेंज करना है। जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होता जाएगा तब तक करंट इंड्यूस होता जाएगा। जैसे ही चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रुकेगा तो करंट इंड्यूस भी रुक जाएगा। अब जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, इज इक्वल टू साइन में बदलते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसे हम कैपिटल एन लिखते हैं और माइनस साइन भी इंट्रोड्यूस कराते हैं। कैपिटल एन यहाँ पर है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल। तो जितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द क्वाइल हैं वो उससे वो मल्टीप्लाई हो जाता है। माइनस साइन क्यों है इसका आंसर मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा। तो ये फैराडे के लॉ से एक फार्मूला बन गया कि जब भी किसी कॉइल या किसी कंडक्टर के साथ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा टाइम के साथ तो उसमें वोल्टेज पैदा होगी। अब जहां वोल्टेज पैदा हो रही है वहां करंट भी फ्लो कर रहा है, तो इंड्यूस करंट कॉइल में कितना होगा आई, वो सिंपल ओम्स लो ई बाय आर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई बाय आर, क्योंकि ओम्स लो आई इज इक्वल टू वी बाय आर। ईएमएफ एक तरह की वोल्टेज है, तो हम बड़े आराम से करंट का भी फार्मूला बना सकते हैं। इट इज वन बाय आर इंटू एन इंटू डी फाइव बी बाय डी टी। तो ये इस तरह से फैराडे के छोटे से एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि हम चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स करके इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब ये अभी मैंने इंड्यूस ईएमएफ में माइनस साइन क्यों लगाया, इसको एक्सप्लेन किया एक फिजिस्ट ने जिसे हम लेंज लॉ कहते हैं। तो हमने वो माइनस साइन इंट्रोड्यूस कराया लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली। तो ये लेंज लॉ क्यों है, क्या है और ये कैसे नेगेटिव साइन को इंट्रोड्यूस कराता है इंड्यूस ईएमएफ के फार्मूले में, तो इसको हम समझते हैं। अब फिर से वही करंट इंड्यूस करने के कंसेप्ट पे आते हैं। मान लो ये कॉयल है और इस कॉयल के पास हम एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेकर आ रहे थे, राइट। अब लेंज लॉ कहता है कि जब किसी मैग्नेट को हम मूव करेंगे यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे कॉइल के साथ, तो करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा इंड्यूस होगा कि वो उस मैग्नेट को अपने पास आने को अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए उसको जो कॉयल का एंड नियर टू मैग्नेट है वहां नॉर्थ पोल डेवलप करना पड़ेगा, और नॉर्थ पोल डेवलप करने के लिए करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, क्योंकि ये मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि ये ध्यान से देखो, ये एन सिंबल बन रहा है, एन लेटर बन रहा है अल्फाबेट। तो अगर मैं इसके एंड पे एरोज लगा दूं तो ये करंट की डायरेक्शन ये होगी जो करंट इंड्यूस हो रहा है, तो वो नॉर्थ पोल डेवलप करेगा अगर नॉर्थ पोल उसकी तरफ आ रहा है। उसका रीजन क्या है कि जब नॉर्थ पोल इसके तरफ आएगा और ये करंट इंड्यूस करके नॉर्थ पोल डेवलप करेगा, तो हमें मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी अगेंस्ट रिपल्शन, क्योंकि आप सबको पता है कि नॉर्थ पोल को रिपेल करता है। इन सिंपलर वर्ड्स, ये कॉयल इस बार मैग्नेट को अपने तरफ नहीं आने दे रही है, उसको ऑपोजिशन दे रही है, क्योंकि हमें करंट प्रोड्यूस करना है और करंट एक तरह की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है,
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तभी प्रोड्यूस होगी जब हम उस पर कुछ मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड करेंगे। तो ये लॉ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जितनी हम मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड करेंगे उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब एक और सिचुएशन लेते हैं कि मान लो ये मैग्नेट कॉयल के तरफ नहीं आ रहा था, कॉयल से हम दूर लेके जाने के लिए उसे फोर्स लगा रहे। तो लेटर से हम एक और फिगर बनाते हैं जिसमें नॉर्थ पोल बार मैग्नेट का अब दूर जा रहा है कॉयल से। अब फिर से करंट इंड्यूस होगा, लेकिन करंट इंड्यूस होके करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी कि जो एंड नियर है वो वहां पे साउथ पोल डेवलप करेगा, यानी कि करंट अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेगा, राइट। तो जब नॉर्थ पोल आ रहा था तो ये नॉर्थ पोल डेवलप कर रहा है, लेकिन वही नॉर्थ पोल जब दूर जा रहा है तो ये साउथ पोल डेवलप कर रहा है, राइट। क्यों? क्योंकि जब नॉर्थ पोल इससे दूर जाएगा तो हमें मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी अगेंस्ट अट्रैक्शन, क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वो उसको दूर भी नहीं जाने दे रहा। और उसकी कॉज पे क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो इस पूरी नॉलेज को अगर हम सम अप करें तो यही कंक्लूजन बन रहा है कि नॉर्थ कोई भी मैग्नेट अगर पास आ रहा है तो वो उसे पास नहीं आने दे रहा, और अगर दूर जा रहा है तो दूर नहीं जाने दे रहा, क्योंकि अगर वो पास आने की कोशिश करेगा तो भी हमें मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी अगेंस्ट रिपल्शन, और अगर वो दूर जा रहा है तो भी हमें मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी अगेंस्ट अट्रैक्शन। तो अब हम इस सारी नॉलेज को लेंज लॉ की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉयल ऑलवेज फ्लो इन सच अ डायरेक्शन दैट इट अपोजिस एनी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेकिंग प्लेस विद द क्वाइट विद द क्वाइट, कि वो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि वो हमेशा अपोज करेगा कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है लिंक्ड विद द कॉइल, क्योंकि पास आने से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो उसे फ्लक्स के इंक्रीज होने को भी अपोज करना है, और दूर जाने से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज होने से भी रोकना है अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाकर। इसको हम और वर्ड्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इंड्यूस करंट फ्लोज इन सच अ वे दैट इट ऑलवेज अपोजेस द एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन। तो हम दूसरे वर्ड्स में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि करंट हमेशा ऐसे फ्लो करता है कि वो उसी एजेंसी को अपोज कर रहा है, उसी एजेंट को अपोज कर रहा है जिसने इसे पैदा किया है। अब इसे कौन पैदा कर रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को होने को ही अपोज कर रहा है, राइट।
और वो कैसे अपोज करेगा, वो मैंने अभी एग्जांपल से समझाया कि नॉर्थ पोल आ रहा है तो नॉर्थ पोल डेवलप करेगा, और नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो साउथ पोल डेवलप करेगा। तो सिंपलर वर्ड्स में कह सकते हैं कि मैग्नेट पास आएगा तो पास नहीं आने देगा, और मैग्नेट दूर जाने की कोशिश करेगा तो इवन दूर भी नहीं जाने देगा, क्योंकि पास आने से भी फ्लक्स इंक्रीज होगा मतलब चेंज होगा, और दूर जाने से फ्लक्स डिक्रीज होगा यानी कि चेंज होगा। तो इसको उस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने को हमेशा अपोज करना है। दिस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये लॉ किस पे बेस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि जितना भी हम मैकेनिकल एनर्जीज, दोनों बार हमें मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी, मैग्नेट पास आ रहा है तब भी हमारा बहुत दम लगेगा मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करने में, और वही मैग्नेट दूर जा रहा है तो भी हमारा बहुत दम लगेगा उस मैग्नेट को दूर लेके जाने में। और जो हमने मैकेनिकल एनर्जी स्पेंड की होगी वही बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आई होप आपको ये लेंज लॉ समझ में आ गया होगा, और हम नेगेटिव साइन भी इसीलिए इंट्रोड्यूस कराते हैं कि ये दिखाने के लिए कि जो इंड्यूस ईएमएफ है वो हमेशा अपोज करता है, माइनस मतलब अपोज करता है किसको? डी फाई बी बाई डी टी को, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। जस्ट गो थ्रू दिस वीडियो एंड नोट डाउन एवरीथिंग इन योर नोट।